नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों। रीवा की छात्र महिला की पुलिस तलाश कर रही है। जबलपुर की रहने वाली महिला ज्योति कदम ने जिले में कई लोगों को ठगी का शिकार बनाया है। आरोपी महिला बेरोजगार युवकों को जबलपुर के शासकीय कार्यालय में नौकरी दिलवाने का झांसा देकर रुपए ऐंठती थी। महिला लाखों रुपए समेट कर चंपत हो गई। पीड़ित कुछ समय तक नौकरी का इंतजार करते रहे, लेकिन जब उनकी उम्मीद टूट गई तो उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई। महिला के खिलाफ शनिवार को सिविल लाइन थाने में चौथा मामला दर्ज किया गया। उसने रामयश पटेल पिता श्यामलाल निवासी नदहा मनगवा इवा एक अन्य व्यक्ति को नौकरी दिलवाने का झांसा देकर उनसे 3,70,000 रुपए ऐंठ लिए थे। उनको भी महिला ने दूसरों की तरह ही जबलपुर में अच्छी नौकरी दिलवाने का झांसा दिया था। पुलिस ने जांच के बाद महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। महिला पूर्व में विंध्य विहार कॉलोनी में रहती थी, जहां ठगी का शिकार पूरा नेटवर्क तैयार किया और देखते ही देखते लोग उसके झांसे में फंसे गए। वहीं जांच के बाद पुलिस ने पिता अनिल श्रीवास्तव, किराएदार प्रकाश चंद्र सोनी, सलीम अंसारी, अनिल विश्वकर्मा पर मामला दर्ज कर लिया है। इन मामलों में पुलिस उसकी तलाश कर रही है, लेकिन महिला गायब है जिसका कोई पता नहीं चल पाया है। ये एक महिला जिसका नाम ज्योति कदम, ज्योति शुक्ला के नाम से जानकारी में आ रहा है। ये महिला शांति विहार कॉलोनी रीवा में किराए से रहती थी और जानकारी लग रही है कि यहाँ कुछ इसका विवाद हुआ, इसने किराया वगैरह के संबंध में बात हुई थी, तो इसने अपने मकान मालिक के खिलाफ 354 का प्रकरण भी दर्ज कराया था। अभी सिविल लाइन थाने में कल सूचना मिली है कि इस महिला के द्वारा करीब एक व्यक्ति से 3,20,000 रुपये और एक व्यक्ति से करीब 1,85,000 रुपये के आसपास की ठगी की गई है। कुछ पैसे इसने नगद लिए हैं, कुछ पैसे अकाउंट में जमा कराए हैं, कुछ पैसे ऑनलाइन के माध्यम से ट्रांसफ़र कराए हैं अपने खाते में। अभी इसके पास जो नंबर थे पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया और साथ में आरोपिया की तलाश जारी है। आरोपिया के बारे में पता लग रहा है कि उसके जो नाम पते और एड्रेस है वो अभी तक उन एड्रेसों में पुलिस को वो नहीं दस्तयाब हुई है। पुलिस ने विवेचना प्रारंभ कर दी है, शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उसके बारे में पुलिस पतासाजी कर रही है। बहुत सारे तथ्य हैं जो हमें और जानकारी में आ रहे हैं, वो अभी विवेचना के पार्ट हैं। सबको सम्मिलित करके अच्छे से विवेचना का काम किया जा रहा है, आवश्यक कार्रवाई चल रही है। रीवा से खबर समय जगत के लिए ब्यूरो चीफ अमित पांडे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।